Hey, good morning guys and welcome to another video. आज का टॉपिक है अलर्ट साउंड्स. टिगोर, टियागो, नेक्सॉन, आई थिंक इवन हैरियर, मैंने देखा नहीं है, बट अगर लोअर सेगमेंट्स की गाड़ियाँ करती है तो ऑब्वियसली प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी में ये फीचर होगा ही. ये सब गाड़ियाँ अलर्ट साउंड्स करती है. बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, सीट बेल्ट का तो सबको पता है, लेकिन उसके अलावा और भी ऐसे अलर्ट साउंड्स हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. ऐसे ही कुछ अलर्ट साउंड्स आज मैं कवर करने वाला हूँ. ये अप्लाई होता है टियागो, टिगोर, नेक्सॉन, इनको तो डेफिनेटली, एंड आई एम प्रीटी श्योर हैरियर को भी अप्लाई होता होगा. एंड देयर इज वन मोर थिंग, अकेला तो मैं ये शूट नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त महेश के पास. तो मेरा डीओपी वो होगा आज, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी महेश होगा. और यस, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जरूर देखिए. प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मजा आता है, प्लीज, बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्लीज. सो यस, लेट्स गो. थोड़ा ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस. जैसा कि मैंने कहा, आज के डीओपी महेश है. ये जो घंटी है यहाँ पे, ये सीट बेल्ट का अलर्ट है. और 10 के ऊपर स्पीड, 20 तक जाने के बाद, 10-15 के बाद ये बजने लगता है कि भाई सीट बेल्ट पहन ले, बोर करता है. और ये पूरा टाइम बजते रहेगा, इसको फर्क ही नहीं पड़ता. इफ यू कैन लिसन टू दिस नाउ. ओके, जैसे ही मैं सीट बेल्ट पहन लेता हूँ, ये स्टॉप हो गया और यहाँ पे घंटी का आइकन भी चला गया. घंटी एज इन बेल आइकन था वो. अब भी बेल आइकन प्लीज दबाइए सब्सक्राइब करने के बाद. अगर हैंड ब्रेक लगा हुआ है, और ये इनिशियल डेज में होता है, नए ड्राइवर के साथ होता है, बाद में तो नहीं होता है. कभी कभी हैंड ब्रेक निकालना ही भूल जाते हैं ड्राइवर, गाड़ी में बैठते हैं, गियर में डालते हैं और आगे लेने का ट्राई करते हैं, ऐसे तब आवाज आता है ये. ओके, हैंड ब्रेक निकाल दूंगा, आवाज चला गया. वेरी बैड है बाय द वे, वेरी, ये करना मत हैंड ब्रेक, क्योंकि उसका मतलब ब्रेकिंग खराब हो जाएगा पूरा हैंड ब्रेक का. बाकी कुछ नहीं, हैंड ब्रेक जब लगा हुआ हो तो आपको ये वाला यहाँ पे अलर्ट दिखता है, रेड में जो आइकन है वो दिखता है. ओके, थर्ड थिंग गाइस, थर्ड थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जब भी गाड़ी हम लोग पार्क करते हैं, हम लोग एसी वगैरह सब बंद करते हैं और गाड़ी बंद कर देते हैं, चाबी से इंजन बंद कर देते हैं. और जब हम लोग उतरते हैं, दरवाजा खोलते हैं बिना चाबी निकले, तो ये वाला आवाज आता है. आई डोंट नो इफ गोप्रो कैन रिकॉर्ड इट, इफ यू कैन ब्रिंग इट अ लिटिल बिट फर्दर. मैं फिर से एक बार करता हूँ, चाबी इंजन बंद, चाबी लगी हुई है, ये वाला, ये थोड़ी देर के लिए बजेगा और फिर बंद हो जाएगा. क्योंकि बहुत सी बार आप इंटेंशनली भी 2 मिनट के लिए उतरते हो फिर बैठ जाते हो, तो ये कंटिन्यूसली बजना नहीं चाहिए, इरिटेट नहीं होना चाहिए इससे. सीट बेल्ट वाला जरूर इरिटेट करेगा, हैंड ब्रेक वाला भी इरिटेट करेगा, मतलब हैंड ब्रेक का तो वाटी लग जाएगा, तो अच्छा है वो बजता रहता है. ऑलराइट, थर्ड थिंग, अगर सेम सिनेरियो ले लेते हैं, गाड़ी स्टार्टेड है, ये ब्लूटूथ का है बाय द वे, इग्नोर दिस. गाड़ी स्टार्टेड है, रात का समय, हमने हेडलैम्प चालू किया. मैं यहाँ पे हेडलैम्प चालू कर देता हूँ. इफ यू कैन सी ओवर हियर, मैंने हेडलैम्प चालू कर दिया है. यहाँ पे देख सकता है आपको सिटी मोड और हेडलैम्प. ओके, तो अगर आपने हेडलैम्प चालू कर दिया, आपने गाड़ी पार्क कर दी, आपने हैंड ब्रेक लगा लिया, आपने गाड़ी बंद कर दी, आपने चाबी निकाल ली, और उसके बाद आपने दरवाजा खोल लिया, ये बजने लगता है फिर से कि कुछ तो गड़बड़ है. तो डिफरेंस देखिए, चाबी वाला आवाज अलग था, ये वाला आवाज अलग है. तो ये बजता है थोड़ी देर के लिए और बंद हो जाता है. नाउ लेट मी शो इट टू यू कि हेडलैम्प अभी भी चालू है. देयर यू कैन सी इट. ओके, अब ये बजते नहीं रहता है,
ये थोड़ी देर के लिए बजेगा और फिर ये शांत हो जाएगा। उसका भी एक रीज़न है कि बहुत सी बार इंटेंशनली भी लोग हेडलैम्प चालू रखते हैं, सामने कुछ काम हो या फिर थोड़ी देर के लिए चालू रखना हो, बहुत सी बार करते हैं वो, इसीलिए ये इरिटेट नहीं करता है ज़्यादा बच के। लेकिन अगर ये चालू रह गया तो आपके बैटरी की तो लग जाएगी बॉस। सो इट्स बेटर कि आप इन सब अलर्ट साउंड्स को पॉजिटिवली ले और इमीडिएटली गाड़ी रोके, अगर आपको समझ में नहीं आते तो चेक करें, इन चारों में से तो कोई है नहीं। और आई थिंक इट कैन सेव यू अ लॉट ऑफ पावर, सीट बेल्ट थिंग कैन सेव योर लाइफ। आपका हैंड ब्रेक आपके इंजन पे लोड नहीं आएगा, हैंड ब्रेक का अलर्ट आपको उससे बचा सकता है। सो इट्स क्वाइट नाइस, ना एक्सक्यूज मी, क्वाइट नाइस फीचर आई वुड से। ऑलराइट गाइस, आई थिंक इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। अगर आपको कोई सवाल हो इन अलर्ट साउंड्स को लेके तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिए, अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो वो भी पूछिए। अगर वन ऑन वन आप बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, ये रहा इंस्टा हैंडल, वहाँ पे अच्छे से बात हो सकती है। और अगर कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तो हाल ही में मैं कुछ ज़्यादा ही रेगुलरली डाल रहा हूँ वीडियोज। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड थैंक यू सो मच मच फॉर हेल्पिंग मी आउट टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ, मतलब कुछ हद तक ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। सो यस, आई थिंक I'll end this right now. I love you once again and I'll see you in the next video. Bye-bye. Bye.